हेलो, कौन है? लखा। हेलो सर, मुझे लगता है तू ढीला पड़ रहा है ना? नहीं, दरअसल कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे एक नया काम दे रहा हूँ, बहुत ही जरूरी काम है। क्या है? कोई भी काम हो सोरा, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मेरी बीवी को पंछियों में बहुत दिलचस्पी है, मैं चाहता हूँ कि तू जाके मेरे लिए एक गाने वाला पंछी ले गया। एक गाने वाला पंछी? तूने सही सुना, अब इसको बिगाड़ के मत आना। एक मिनट रुकिए सर। हेलो, ये सच में दुनिया का सबसे बुरा सर है। बिल्ले, चलो एक गाने वाला पंछी लेकर आए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्ले, मैं जब छोटा था मेरे गांव का सबसे अच्छा शिकारी था मैं, सब बच्चे यही बोलते थे। मैं सच में कमाल का शिकारी था। तुम्हें पता है मुझे वो पुराने दिन कितने याद आते हैं, बड़े मजेदार दिन थे वो। तुम कर सकते हो लखा। लो हम आ गए। दिलचस्प है। बिल्ले चलो जल्दी आ जाओ, यहाँ जाओ। अब देखो हमें बस बैठकर इंतजार करना है, जल्दी वो छोटा पंछी हमारी कैद में होगा। मुझे नींद आ रही। फंस गया। बिल्ले, मैंने कहा था ना मेरा जाल काम करेगा। ये क्या हो रहा है? वापस आ जाओ, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा गाने वाली पंछी। नीचे वापस आ जाओ गंदे पंछी, वापस आओ। बहुत अच्छा हुआ मेरे सरकार, ये कितना लज्जाजनक है। मुझे जाने दो। ठीक है, ले मेरे ऊपर से हटो। इतनी मेहनत के बाद तुम मेरे लिए उल्लू लाए हो? वैसे भी बहुत देर हो रही है, मैं इसे घर पर ले आता हूँ, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम। चलो बिल्ले चलते हैं। सर ने मुझे गाने वाला पंछी लाने को बोला था और मैं क्या लेकर आया, बस एक पागल उल्लू। ये तो उसके नजदीक भी नहीं है, भगवान करे सर मुझ पर गुस्सा ना हो। मुझे यकीन नहीं आता मैं उड़ते उड़ते फिर सो गया, अब एक लकड़हारी ने मुझे कैद कर लिया है। अगली बार मैं कभी नींद में नहीं उड़ूंगा, क्या पता बाकी लोग मुझे कभी ढूंढ ही ना पाए। शायद मैं जिंदगी भर अब यही अटक जाऊंगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इस घने जंगल में जहाँ चांद धीमी रोशनी दे रहा है, फूल सो रहे हैं, पेड़ सपने देख रहे हैं, पर एक नन्हा बच्चा अपने घर जाने के लिए रो रहा है। वो अपने घर जाना चाहता है, उसे कोई अपने घर ले जाओ। ए उल्लू तो एक कवि जैसा है। क्या एक उल्लू? क्या ये कोई मजाक है? मैं एक गाने वाला पंछी सोच रहा था और तू मुझे एक उल्लू भेज रहा है? मेरी बीवी गुस्से से पागल हो जाएगी अगर उसे पता चला तो। शांत हो जाइए सर और मेरी बात सुनिए, ये कोई आम उल्लू नहीं है, ये बहुत ही गुणवान है। गाने वाला पंछी गाता होगा पर ये उल्लू एक कवि है, ये बहुत ही गुणवान कवि है, इसकी कुछ कविताएं सुनकर आपको अचंभा होगा। लखा, क्या तू मुझे पागल समझता है? मैं नहीं चाहता तू ऐसा करे। लकड़हारों के राजा की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। और ये अकेला सिर्फ कविता नहीं गाता, ये तो बस इसका एक गुण है। ठीक है, कल भेज देना उसको, कुछ गड़बड़ मत करना। पक्का सर? ये मैंने क्या कर दिया है। ठीक है छोटे पंछी, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जब मैं इशारा करूँ तुम कविता शुरू कर देना, समझे मेरी बात? चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा जब मैं इशारा करूं तब कविता बोलना शुरू कर देना, समझे नहीं क्या? ठीक है एक बार फिर। स्कॉक स्कॉक स्कॉक, ये क्या बकवास कविता सुना रहे हो तुम? चलो चलो, सच में तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हारी एक कविता सुननी है।
मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्वादिष्ट लग रहा है ना? मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ तो ये सब तुम्हारे लिए है। हेलो, आप छोटे से पंछी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? मेरा पेट भर गया है। चलो कविता सुनाओ। हाँ ठीक है, चलो छोटे से उल्लू एक कविता बोलो ना जल्दी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कविता भूल जाओ तुम, मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, मुझे पहले तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। अब अच्छे से रहना ठीक है, भागने के बारे में सोचना भी मत। अरे बहुत दर्द हुई उससे। भागने की कोई मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ था, किसी कंधे से पिंजरे में रहने के लिए नहीं। तुम्हारा मतलब तुम्हारा घर। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अब तुम कहीं नहीं उड़ोगे। जाने दो मुझे प्लीज। बस करो ये रोना धोना, अगर कल तक कर्तव्य करना सीखा नहीं तो तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा मैं। चलो अब इन गेंदों के साथ अभ्यास करते हैं ठीक है? ऐसे चलो कोशिश करो, आराम से। क्या ये जानबूझ कर किया तुमने? अब भूलना मत, अगर तुम कोई कर्तव्य नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझे? हाँ अभ्यास करते रहो, ये उतना बुरा नहीं है, काफी अच्छा है, बल्कि ऐसे ही करते रहो। ला 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 ला, मुझे लगता है अब इसको सारे कर्तव्य आ गए हैं, कल मैं इसको सर के पास भेज दूंगा।
वाह 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 वाह।